हाय दोस्तों, माइंड ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सैमसंग मोबाइल जब चार्जिंग आईसी नहीं मिलता है तो हम अक्सर कस्टमर को मल्टी चार्जर की सलाह देते हैं, लेकिन आज देखेंगे चार्जिंग का एक नया तकनीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये सैमसंग मोबाइल 1200T है, चार्ज नहीं ले रहा है। कहाँ प्रॉब्लम है ये हम देखेंगे। मोबाइल को ऑफ कर दिया, अभी चार्ज में देखेंगे। मोबाइल ऑफ करने के बाद जो चार्जिंग दिखाएगा, साइन दिखाएगा, मतलब चार्ज होगा, लेकिन साइन नहीं दिखा रहा है, मतलब चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो इसमें कहाँ फॉल्ट है ये देखेंगे। अभी बैटरी खोल के चार्जिंग कनेक्टर की जगह कितना वोल्टेज आ रहा है वो देखना पड़ेगा। देखिए चार्जिंग कनेक्टर की जगह 0.3534 ऐसा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए था। कम से कम वहाँ 3.80 और 4.2 तक आना चाहिए था। इसका मतलब सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, ये हम देखेंगे। पहले तो हम सॉकेट जो चार्जिंग जैक है उसको जांच करेंगे, वहाँ वोल्टेज मतलब सॉकेट सही है कि नहीं, तो वहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है तो पहले देखना पड़ेगा। चार्जिंग सॉकेट में 5 वोल्ट से 6 वोल्ट तक आ रहा है, मतलब चार्जिंग जैक सही है। चार्जिंग आईसी खराब है, तो आपके पास चार्जिंग आईसी है तो नया लगा दीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। कस्टमर को तो आप मल्टी चार्जर की सलाह जरूर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहिए, एक नया टेक्निक देखेंगे कि किस तरह से चार्जिंग आईसी बावजूद भी आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जिस तरह से आप डायग्राम देख रहे हैं, बैटरी पॉजिटिव पिन से मोबाइल जैक जो चार्जिंग जैक है वहाँ तक जिस तरह से मैंने लगाया है उसी तरह लगा दीजिए। अभी हमने लगा दिया, अभी वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। देखिए बैटरी कनेक्टेड की जगह 5.47 तक आ गया, मतलब हमारा जो चार्जिंग जेनर लगाया मैंने वो सही है। ये देखिए बैटरी वोल्टेज 3.60, ठीक है। 2 मिनट के लिए हम चार्ज में बिठाएंगे, फिर देखेंगे सही है कि नहीं। मोबाइल को मैंने ऑन किया ताकि वो जो मेरा डार्ट लगा है वो सही तरीके से लगा है कि नहीं देखेंगे। बैटरी रिमूव करने के बाद भी मोबाइल ऑन है, मतलब चार्जिंग जो डायोड लगाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अभी बैटरी का वोल्टेज देख रहे हैं 3.60। अभी मोबाइल को हम 2 मिनट चार्ज में रखेंगे, फिर देखेंगे बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखिए बैटरी पर 3.64, मतलब 2 मिनट में चार्ज हो गया थोड़ा सा। फिर 2-2.5 घंटा चार्ज दे दीजिए, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।